चुनाव के चैतुआ चले साधो, गांव में जब हम लोग रहते थे तब एक घटना हो गई थी। एक स्त्री लक्ष्मी पड़ोस में रहती थी, उसका पति एक औरत को लेकर भाग गया, मगर गांव में ये प्रचार कर गया कि लक्ष्मी बदचलन है। तब अड़ोस पड़ोस की औरतें बैठती तो उनमें बात होती, बहना जैसो लक्ष्मी के साथ हुआ वैसो भगवान कोई के साथ ना करे। देखी मर्द की जात, खुद तो एक छिनाल रखे थे और बदनाम कर गया बेचारी लक्ष्मी को। लक्ष्मी ऐसी अच्छी है, दूसरे आदमी की तरफ आंख उठा के नहीं देखती। तब कोई धीरे से कहती, काकी तिरिया चरित्र को भगवान भी नहीं जाने, क्या पता लक्ष्मी बाहर कछु और भीतर कछु और हो। दूसरी औरतों ने भी कहा, कहाँ लक्ष्मी के रंग ढंग कभी कभी कछु अच्छे नहीं लगत, बाजार में इतनी दुकान है पर लक्ष्मी उस छैल छबीले रामकिशन सेठ की दुकान पे ही क्यों जाती है। एक ने कहा, अरे जीजी बड़ी देर तक उसके साथ हंसी ठिठोली करती है, उसका दिया पान खाती है। ये औरतें जो लक्ष्मी के पक्ष में बात शुरू करती थीं, इस निष्कर्ष के साथ उठती थीं कि लक्ष्मी में गड़बड़ है। साधु ये घटना मैंने तुम्हें इसलिए सुनाई कि आजकल जनता पार्टी अध्यक्ष चंद्रशेखर की हालत इस लक्ष्मी की तरह ही हो रही है। उनकी पार्टी के नेता ये बदनामी करके पार्टी छोड़ रहे हैं कि चंद्रशेखर भ्रष्ट हैं। उसने बिहार में विधायक खरीदने के लिए 3 लाख रुपए दिए थे। साधु 3 लाख में कोई बदनाम हो जाए ये बड़ी हंसी की बात है। हरियाणा में ऐसे महापुरुष हैं जो 5 लाख की दर से 20 विधायक थोक में खरीदते रहे हैं, मगर गरीब पार्टी और गरीब चंद्रशेखर। वही हाल हुआ कि गांव की मनचली से गांव का रसिया मेले में कहे, आज रात को मिलेगी। वो जवाब देती है, हाँ न पेड़ा खिलाए न अंगूठी पहनाए और कहे कि रात को मिलेगी। रसिया उसे आधा किलो पेड़े खिलाता है और निकल की रंगीन अंगूठी पहना देता है। देखने वाली देख लेती है और प्रचार शुरू। मैंने अपनी आंखों से देखा, वो हंस हंस के पेड़े खा रही थी, उसके बड़ी बेशर्म है। अरे 10 ठॉप पेड़ा में बिक गई। साधो आज चंद्रशेखर आधा किलो पेड़े और निकल की अंगूठी में बिकी बदचलन औरत जैसे हो गए हैं। साधो जिन सुब्रमण्यम स्वामी ने ये प्रचार किया कि मैंने इसे पेड़े खाते और ठिल ठिल करते देखा, वे स्वामी खुद ऊंचे रेट की राजनीतिक कॉलगल हैं। वे नकद लेती हैं और कम से कम 3-स्टार होटल में शरीर देती हैं। चंद्रशेखर बलिया के देहाती हैं तो छबीली थोड़े में फंस गई। सुब्रमण्यम स्वामी हार्वर्ड की पढ़ी, CIA से आसन सीखी, अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की प्रतिष्ठित कॉलगल हैं। उसकी ग्राहकी ऊंची है, वो जनरल जिया चीन के प्रधानमंत्री व इसराइल के प्रधानमंत्री के साथ सोती हैं। ये 2 टाइप हुए। तीसरी टाइप इन पार्टियों में उनका है जिनको 2 रुपए में अच्छे होटल में नहीं मोटर गैरेज में ही ले जाओ। साधो सिद्धांत विहीन और केवल सीट तथा सत्ता के लिए जो पार्टियां चलती हैं उनमें राजनीतिक कॉलगल होती हैं। बाजार में बैठी खुली वैश्याएं होती हैं और एक से ज़्यादा आदमियों को फंसाए बैठी मनचली होती हैं। साधो जनता पार्टी छोड़कर बहुत लोग चले गए और जा रहे हैं। इनके नेता हैं समाजवादी लोग। इनकी रैली का उद्घाटन चरण सिंह ने किया। इसी चरण सिंह को ये समाजवादी ये कहकर छोड़ आए थे कि तानाशाह अवसरवादी और सिद्धांत विहीन हैं। ये समाजवादी उसी चरण सिंह के पास लौट रहे हैं। छोड़ देने और फिर कर लेने में कई औरतें कोई संकोच नहीं करती। नीची जातियों में इस मामले में कुछ शब्द प्रचलित हैं, उसके घर बैठ गई और फिर छोड़ छुट्टी ले ली और फिर कर लिया, इस तरह की राजनीति हो गई है। साधु चंद्रशेखर के बारे में मुझे
तभी डर पैदा हो गया था जब उन्होंने कन्याकुमारी से दिल्ली तक पैदल यात्रा करके दूसरे लोकनायक बनना चाहा था। तभी कुछ जनता पार्टी नेता ऐतराज उठा रहे थे कि चंद्रशेखर ने पार्टी की मंजूरी नहीं ली, व्यक्तिगत निर्णय ले लिया। फिर चंद्रशेखर गलत दिन दिल्ली में आए, उन्हें 2 दिन हरियाणा में रुककर आना था। इस बीच कपिल देव इंग्लैंड में प्रूडेंशियल कप जीत लेते, मगर जब दिल्ली में चंद्रशेखर ने प्रवेश किया तब वहां कपिल देव की जय हो रही थी। ये समझे थे कि मेरी जय होगी, लोग टेलीविजन से चिपके बैठे थे, तो इनकी रैली भी नाकामयाब हो गई। कपिल देव ने चंद्रशेखर को LBW कर दिया। साधो, तभी से जनता पार्टी में खींचतान मची है। बिहार की घटना ने साफ टूटन की तैयारी कर दी है। पुराण पुरुष मोरारजी डॉक्टर स्वामी के समर्थक हैं ये, जो निकलकर चरण सिंह के पास जा रहे हैं, सो इस आशा में कि चौधरी हमें सीट दे देगा। मगर चौधरी का समझौता भारतीय जनता पार्टी से है, तो इन्हें अंततः संघ दक्ष करना पड़ेगा। अभी ये जरूर शेखी बघार रहे हैं कि हम चौधरी को अटल बिहारी से काट लेंगे। साधु, चिंता की बात नहीं है, पार्टियां सब रहेंगी, ये धीरे धीरे सगे भाई हो जाएंगे, क्योंकि इन्हें सिद्धांत की कोई झंझट नहीं है। कोई पार्टी मरने लगेगी तो अखबार एक हफ्ते में उसे ऑल इंडिया पार्टी बना देंगे। वे जगजीवन राम के पार्टी का अपने शहर में एक भी आदमी का नाम नहीं बता सकते, मगर उनकी कांग्रेस को अखबार ऑल इंडिया पार्टी बनाए हैं। सबका भला होगा, चंद्रशेखर का भी भला होगा और जॉर्ज का भी। साधु, राजनेताओं और उनके अनुयायियों के इस दल से उस दल में और उस दल से तीसरे दल में आने जाने में कुछ अजीब नहीं है। चुनाव राजनीति के चैत का मौसम है, चैत में समूह के समूह फसल काटने वाले यहाँ से वहाँ जाते हैं, इन्हें चैतुआ मीत कहते हैं। जब तक एक जगह फसल काटते रहते हैं तब तक साथ रहते हैं और दोस्त रहते हैं, वहाँ का काम खत्म होने पर यहाँ वहाँ चले जाते हैं। खाई रोटी गाए गीत, जे चल दिए चैतुआ मीत। साधो, ये सब राजनीति वाले सिर्फ चैतुआ मीत हैं।